नमस्कार साथियों, मैं चंदन सिंह नेगी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के एक सबसे अमीर और सबसे प्रसिद्ध मंदिर के बारे में कंप्लीट डिटेल। इस वीडियो में हम जानेंगे तिरुपति बालाजी मंदिर के रहस्यों और यहां पर कैसे पहुंचे, कहां पर ठहरे, ये सभी कुछ जानकारियां इस वीडियो में। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखें, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। तिरुपति बालाजी को वेंकटेश्वर, श्रीनिवास और गोविंदा के नाम से भी जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में स्थित ये मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है, क्योंकि यहाँ करोड़ों रुपए का दान आता है। तो चलिए पहले जानते हैं इस मंदिर के इतिहास और चमत्कारों के बारे में, फिर जानेंगे यहाँ तक पहुँचने की कम्प्लीट डिटेल्स को। इस मंदिर के बारे में लोगों में थोड़े से मतभेद हैं। प्रभु वेंकटेश्वर या बालाजी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्पकर्णी नामक तालाब के किनारे निवास किया था। ये तालाब तिरुमाला के पास में स्थित है। वेंकटेश्वर का ये मंदिर वेंकटाद्री नाम की पहाड़ी पर स्थित है। वहीं कुछ लोगों का इस मंदिर के बारे में मानना है कि 11वीं शताब्दी में संत रामानुज ने तिरुपति की इस वेंकटाद्री पहाड़ी पर चढ़ाई की थी। प्रभु वेंकटेश्वर उनके सामने प्रकट हुए और उनको आशीर्वाद दिया था। ऐसा माना जाता है कि प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात ही वो 112 सालों तक जीवित रहे थे और जगह जगह घूमकर वेंकटेश्वर भगवान की महिमा के बारे में लोगों को बताया था। इस मंदिर में दर्शनों के लिए स्त्री हो या पुरुष अपने बाल कटवाते हैं। बालों का दान इसलिए किया जाता है क्योंकि माना जाता है कि जो कोई व्यक्ति अपने मन के सभी पापों और बुराइयों को यहाँ छोड़ देता है, उसके सभी दुख देवी लक्ष्मी खत्म कर देती है। इसलिए यहाँ अपनी सभी बुराइयों और पापों के रूप में लोग अपने बाल छोड़ जाते हैं, ताकि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी उन पर प्रसन्न हो और उन पर हमेशा धन धान्य की कृपा बनी रहे। बाल दान करने के बाद ही लोग यहाँ पर मंदिरों के दर्शन के लिए जाते हैं। यहाँ पर भगवान वेंकटेश्वर की काले रंग की मूर्ति है। इसके बारे में मान्यता है कि ये दिव्य मूर्ति किसी ने बनाई नहीं, बल्कि ये खुद जमीन से प्रकट हुई है। इस मंदिर में लोगों की श्रद्धा का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ दान में मिले नोटों को गिनने के लिए मशीन की जरूरत पड़ती है। इस मंदिर में दर्शनों के लिए काफी लंबी पैदल चढ़ाई भी करनी पड़ती है। यहाँ पर हर रोज दर्शनों के लिए लगभग 50,000 से लेकर 70,000 लोग आते हैं और किसी खास अवसर पर तो ये संख्या 5,00,000 तक पहुंच जाती है। यहाँ पर दर्शनों के लिए नॉर्मली आपको 4 से 5 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है और भीड़भाड़ वाले समय में 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। लेकिन अगर आप विकलांग हैं या आपकी उम्र 65 साल से अधिक है तो आप विशेष लाइन में जाकर दर्शन कर सकते हैं। इसमें आप जल्दी से दर्शन कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप समय बचाकर जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो आप 300 रुपये खर्च करके स्पेशल एंट्री दर्शन कर सकते हैं। स्पेशल एंट्री टिकट का ऑनलाइन वेबसाइट www.ttdsevaonline.com है। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। आप वहां पर जाकर इसकी वेबसाइट में जा सकते हैं और वहां पर जाकर स्पेशल एंट्री दर्शन के टिकट बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं रहने और ठहरने की व्यवस्था की। तो तिरुपति मंदिर के आसपास रहने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। कई सारे होटल और धर्मशालाएँ यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। यहाँ पर कुछ धर्मशालाओं में आप निःशुल्क में भी रह सकते हैं। इसके अलावा आप पेड रूम भी बुक कर सकते हैं। ये जो निःशुल्क धर्मशाला होती हैं, कई बार इनमें रूम नहीं मिल पाते हैं, तो इसलिए आप पेड रूम भी बुक कर सकते हैं। और यहाँ पे रूम आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ये रूम ऑनलाइन बुक करने के लिए आपको www.ttdsevaonline.com उसी वेबसाइट पर फिर से जाकर यहाँ पर रूम बुकिंग की सुविधा भी आपको मिल जाएगी। रूम भी आप एडवांस में ज़रूर बुक कर लें ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। अब बात करते हैं कि इस प्रसिद्ध मंदिर में कैसे पहुंचें। तिरुपति में अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो तिरुपति तक रेलवे स्टेशन की सुविधा उपलब्ध है, जो कि चेन्नई से 130 किलोमीटर दूर है। यहाँ के लिए हैदराबाद, बेंगलोर और चेन्नई से आपको ट्रेनें और बसों की सुविधा भी मिल जाएगी। हैदराबाद से तिरुपति की दूरी है 562 किलोमीटर, जबकि बेंगलोर से है 246 और चेन्नई से है 130 किलोमीटर। तो इस तरह से जो भी लोकेशन आपके पास हो आप पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं हवाई मार्ग की। तिरुपति में एक छोटा सा हवाई अड्डा भी है, जहां पर मंगलवार और शनिवार को हैदराबाद से फ्लाइट मिल सकती है। इसके बाद आप आंध्र प्रदेश रोडवेज की बस से या टैक्सी से पहुंच सकते हैं तिरुपति। यहां से तिरुपति पहुंचने में 20 मिनट का समय लग जाता है। इस तरह से आप दर्शन कर सकते हैं तिरुपति बालाजी के और पहुँच सकते हैं भारत के इस प्रसिद्ध और अमीर मंदिर में।
आशा करता हूँ आपको तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में लगभग कंप्लीट डिटेल मिल गई होगी। इसके अलावा भी अगर आप कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम अपने इस चैनल पर टूर एंड ट्रैवलिंग की कंप्लीट डिटेल देते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।